हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हम हैं अलंग पोर्ट पे, और जैसा कि आपको पता है अलंग पोर्ट फेमस है वेसल को रिसाइकल करने के लिए, वेसल को स्क्रैप करने के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कार्गो टैंक रहता है, एक केमिकल टैंकर का जो कार्गो टैंक रहता है वो कैसा दिखता है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, अभी हम हैं अपर डेक पे, और एक इधर को आप थोड़ा कैमरा टर्न कीजिए, ये हमारी पूरी पाइपलाइन है गाइस एक केमिकल टैंकर की, जिसमें जो भी कार्गो रहता है वो इन पाइपलाइनों के थ्रू कार्गो टैंक से निकाला जाता है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जो नॉर्मल लेफ्ट और राइट जो हम जानते हैं, सो इसको शिपिंग लैंग्वेज में जो वेसल का लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पोर्ट साइड, और जो वेसल का राइट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड। और इसको हम कैसे जज करते हैं कि ये पोर्ट साइड और स्टारबोर्ड साइड है? सो गाइस, आप जब भी वेसल के ऊपर खड़े हैं, या आप वेसल के ऊपर खड़े होकर के जब फोर पीक वाले पोर्शन को देखते हैं, सामने वाले पोर्शन को देखते हैं, सो आप इजीली जज कर सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो साइड आपका है पोर्ट साइड, और जो आपका राइट हैंड है वो साइड है आपका स्टारबोर्ड साइड। सो गाइस, अभी हमें कार्गो ऑयल टैंक नंबर 3 पे, ये थोड़ा जो है बड़ा टैंक है, इसका जो साइज है थोड़ा बड़ा है, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि एक कार्गो ऑयल टैंक कैसा अंदर से दिखता है। ठीक है गाइस, तो आ जाइए आपके साथ। Back.
आपने कार्गो टैंक का प्रीव्यू देखा था और अभी हम जिस कार्गो टैंक पे हैं ये आपका स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। सो गाइस इधर साइड पे एक पंप लगा हुआ है, आइए। सो गाइस ये जो पंप है जो भी इस कार्गो टैंक में जो भी कार्गो रहता है उसको लोड और अनलोड करने के काम ये पंप आता है। एंड गाइस इसमें नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं ये हीटिंग कॉइल्स वगैरह लगी हुई है। सो गाइस इन हीटिंग कॉइल का क्या काम रहता है कि जब भी टेम्परेचर वेरी करता है सो जो इसमें कार्गो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। सो अनलोड करने के टाइम में गाइस ये जो पंप है ये उस सेमी सॉलिड फॉर्म को जो इसमें जो कार्गो रहता है जो सेमी सॉलिड हो जाता है उसको ईजीली अनलोड नहीं कर पाता है। सो उसमें ये हीटिंग कॉइल्स के वर्क करती हैं कि जो भी कार्गो है उसको गर्म करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे ये पंप है ये ईजीली उसको अनलोड कर पाता है। सो गाइस ये हमारा है कार्गो टैंक। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आप भी वीडियो के साथ बने रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।